Hello students, how are you? Good morning to all of you. Let us start again unit number 4, that's name is chemical kinetics, and this is the lecture number 2. In this topic we will discuss about factors affecting the rate of reaction, that is very important topic, and rate law with order of the reaction. What is order of the reaction? Let us start the topic factors affecting the rate of reaction. अब बच्चों इसमें क्या बताएंगे हम इसके अंदर कि जब रिएक्शन की जो रेट होती है ना वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस फैक्टर के साथ बढ़ती है और किस फैक्टर के साथ वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट. बच्चों रिएक्टेंट की नेचर सबसे मोस्ट है हमारे पास कि रिएक्टेंट की नेचर कैसी है. अगर रिएक्टेंट की नेचर हमारी बॉन्डिंग की नेचर कैसी है, स्ट्रॉन्ग नेचर है, हार्ड मतलब यहाँ पे आयनिक नेचर की है, कोवलेंट नेचर की है, स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन हमारी, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी या कम होगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ से देख लेते हैं हम इसमें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट. डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट कैन प्रोसीड डिफरेंट स्पीड ऑफ रिएक्टेंट. लाइक अब क्या बताया मैंने कि अलग अलग जो रिएक्टेंट हमारे होते हैं रिएक्शन की जो स्पीड, यहाँ पर रिएक्शन लिखना बच्चों, ये मिस्टेक होगी भाई, यहाँ पर रिएक्शन लिखोगे कि डिफरेंट टाइप के जो रिएक्टेंट हैं वो डिफरेंट रिएक्शन की स्पीड को हमें देते हैं, अलग अलग स्पीड देते हैं. जैसे कि मैं आयनिक रिएक्टेंट की बात करूं, बच्चों आयनिक रिएक्टेंट ये हमारे पास है Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, है ना. तो आयनिक रिएक्टेंट क्या करता है, आयनिक रिएक्टेंट रिएक्शन पहले से ही आयन बने होते हैं, यानी बॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, आयन जो होते हैं आयनों के अंदर पहले से ही आयन बनने के कारण वो जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट होगी. जबकि आप बात करो अगर यहाँ पे बॉन्ड पहले से ब्रेक हो जाते हैं इजीली आयनिक होने के कारण, बट अगर मैं कोवलेंट की बात करूँ, जैसे कोवलेंट के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, अमोनिया जो बनेगी उसमें ऐसा बॉन्डिंग होगी, देखो एन एच एच और H, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी. अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये बॉन्ड टूटेंगे फिर ये बॉन्ड बनेगा, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी. इट मीन्स ये रिएक्शन फास्ट होगी, इसकी रेट फास्ट होगी, जबकि इसकी रेट स्लो होगी बच्चों. तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की नेचर क्या है. अगर उसकी नेचर आयनिक है तो रिएक्शन फास्ट होगी, रेट इसकी फास्ट होगी, बट अगर कोवलेंट नेचर की हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे उसकी जो रेट है वो स्लो होगी बच्चों. क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या बताएगा आपको, सेकंड पॉइंट डील करता है किसके साथ, फिजिकल स्टेट. और आप जानते हो बच्चों इजीली जो गैसेज हमारी होती हैं, गैसेज में फ्री आयन होते हैं और वो आयन जो है ना मूव करते रहते हैं गैसेज के, इसलिए गैसों के अंदर क्या है बच्चों, ज़्यादा रेट होती है, रिएक्शन की रेट जो है फास्ट होगी, जबकि लिक्विड में रिएक्शन की रेट थोड़ी सी कम हो जाएगी, और गैस में तो वो सॉरी जो हमारा सॉलिड होता है उसके अंदर तो रेट बिल्कुल ही स्लो होगी, क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हार्ड होगी. तो बच्चों जो सेकंड पॉइंट है वो स्टेट पे डिपेंड करता है. स्टेट मैंने बता दिया, जो गैसियस रिएक्टेंट हमारे होंगे तो उनके लिए रिएक्शन जो है ना फास्ट हो जाएगी लिक्विड और सॉलिड की कंपेरिजन में. ठीक है, क्यों बताया, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि गैसों के जो मॉलिक्यूल हो मूव करेंगे जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी मूव करेंगे गैस के मॉलिक्यूल, देखो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं तो आपस में जल्दी ज़्यादा टकराएंगे, और कोलिजन पर सेकंड अगर बढ़ता है, कोलिजन एक सेकंड में कितने टक्कर आपस में हुई इनकी, कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. भाई सॉलिड रिएक्टेंट अगर हम लेते हैं उस केस की बात हम करते हैं, तो जब सॉलिड रिएक्टेंट हमारा होता है तो उस केस में जो अगर आप बात करो किसकी, सरफेस एरिया की, तो जो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चों पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा, मेन बात तो ये है, जितना स्मॉलर साइज़ है पार्टिकल का. ठीक है, अब मेरे पास एक तो ये बड़ा पार्टिकल है, ये कम सरफेस एरिया घेरे हुए है ना, और एक मैं कहूँ इस पार्टिकल को मैंने तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा ना इसका, तो बताओ किस में रिएक्शन फास्ट होगी, इस वाले में, है ना. क्यों, क्योंकि स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल, जितना स्मॉलर साइज है पार्टिकल का, साइज छोटा है, सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा. अब एरिया ज़्यादा होगा तो बताओ, एक तो रिएक्शन इतने इस पार्ट में होनी थी और एक मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये इतने पार्ट में आ गया, है ना, तो रिएक्शन कहाँ ईजिली होगी, जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है यहाँ पे देखो ज़्यादा आसानी से रिएक्शन होगी, क्योंकि कहीं पर भी रिएक्शन हो सकती, कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, जबकि इसमें सरफेस एरिया कम था यहाँ पे. क्लियर है ये चीज़ आपको. ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट मेरा बच्चों यहाँ पे आएगा, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइट. कुछ रिएक्शंस बच्चों ऐसी होती हैं जो लाइट के बिना होती नहीं है, तो लाइट की भी इंटेंसिटी होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. आई मीन्स आई मतलब यहाँ पे मेरा क्या है भाई, इंटेंसिटी है लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा. जैसे कुछ एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे इसके, जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरे पास एक तो 100 वाट का बल्ब है बच्चों,
और एक मैंने 200 वाट का बल्ब दे दिया, इसके अंदर जला दिया, तो बताओ क्या होगा, किस में ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन, 200 वाट वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे, फोटोन ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, क्लियर है? यस। नेक्स्ट फैक्टर होगा कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट आर जनरली दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन फास्टन द केमिकल रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन को फास्ट करेंगे तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा बच्चों, कैटालिस्ट तो वही सब्सटेंस होते हैं ना। वैसे मैं बताऊँ आपको, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं या फास्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम करते हैं। तो द केमिकल सब्सटेंस विच कैन स्पीड अप और डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड को डाउन भी कर सकते हैं अभी, लेकिन हम बात किसकी करेंगे यहाँ पे, डाउन की नहीं करेंगे, स्पीड अप की बात करेंगे, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे, अब कैटालिस्ट हमारा क्या होता है, कैटालिस्ट एक रिएक्शन को कैसे मतलब फास्ट करते हैं, एक तो वो रिएक्शन का रूट बदल देते हैं बच्चों। जैसे हम कहें हमें कॉलेज जाना है, और कॉलेज में क्या है, एक तो सीधा रास्ता हो रोड टू रोड जाएं हम, और एक कोई ऐसा स्मॉल रास्ता होगा हमारे पास जिसमें क्या है बीचों बीच निकला है, छोटा सा रास्ता, उसके अंदर से क्या है वो बहुत जल्दी आ जाए, यानी स्मॉल रूट, तो रूट बदल दिया बच्चों। एक तो पहाड़ी पर चढ़ गए हम इतनी ऊँची, और एक पहाड़ के अंदर से हमने कोई रास्ता ऐसा बना लिया कि वहाँ से एनर्जी हमारी काफ़ी बच जाएगी। तो कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, रिएक्शन को एक स्मॉलेस्ट रूट प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी भी रिएक्शन की कम लगती है, ठीक है? जैसे समझे एक बार, जैसे अपने पास क्या है, ये एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब बनता है जब मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, तो मेरे को यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी लगानी पड़ी, जो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट होती है बच्चों इसकी, और इस स्टेट पे आना जरूरी होता है जब कोई रिएक्शन होगी, तो यहाँ स्टेट पे आने के बाद ही रिएक्शन होगी, ठीक है? तो एक तो मैं यहाँ से आया, जबकि मैंने कैटालिस्ट के बिना ये रिएक्शन करवाई, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लगी, देखो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी। लेकिन मैं कैटालिस्ट के साथ अगर इस रिएक्शन को करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कैटालिस्ट के साथ इस रिएक्शन को करूं, तो मैं यहाँ पे आया बच्चों, देखो है ना, बिना कैटालिस्ट के तो यहाँ तक आना था मेरे को, कैटालिस्ट के साथ मैं यहाँ पे आया, तो ये रिएक्शन का रूट देखो, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे थी, मींस एनर्जी क्या हो गई भाई, कम या ज़्यादा नहीं होगी एनर्जी यहाँ पे, आप देख सकते हो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, कम या ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, ठीक है? तो बताओ क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन अब एक्टिवेशन एनर्जी ये कैटालिस्ट के साथ इस स्टेज पे आ गई, बिना कैटालिस्ट के स्टेज पे थी, तो ये फ़र्क होता है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे काफ़ी सारा। बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब SO2 से हम SO3 बनाते हैं, तो ये होता हमारे पास एक एग्जाम्पल इसका। इस एग्जाम्पल में हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड है ना जो, उसको कैटालिस्ट मानते हैं, और जितना कैटालिस्ट आप बच्चों इसमें डालोगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये SO3 बनेगी। तो यहाँ पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन, NO की कंसंट्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना NO डालोगे आप, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो उतना ही क्या है इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों टेम्परेचर का। अब आप बेसिक सी बात है भाई, यहाँ पे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक मोशन है, वो बढ़ेगी। अब वो काइनेटिक मोशन बढ़ेगी तो पार्टिकल की कोलिजन पर सेकंड बढ़ेंगे, एक सेकंड में कितने टकराव हुए उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। और बच्चों ये ना क्वांटिटेटिवली अगर मैं बात करूं, तो इसकी वैल्यू भी बताई गई है, ये बताया गया है कि आप अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर देते हैं, तो रिएक्शन का रेट लगभग अप्रोक्सीमेट डबल हो जाता है बच्चों। ये आपको कैसे पता लगा, तो ये हमें पता लगा एक इक्वेशन से जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में, दैट इज़ RNES इक्वेशन। RNES ने बताई थी इक्वेशन, और उसको उसने क्या है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल में बताया गया था कि कितनी वैल्यू बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, वहीं से हमें पता लगा था, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बच्चों अगर मैं जनरली रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, तो आप इतना ही याद रखें बस यहाँ पे कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है भाई, कई बुकों में लिखा मिलेगा आपको कि ये कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, लेकिन मैं बताऊँ आपको रियल में ये रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, रिमेन अनअफेक्टेड भी रह सकता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा उसमें। रेट ऑफ रिएक्शन उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी रिएक्टेंट की पे करे। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड वन ऑल और नन रिएक्टेंट, या डिपेंड ना भी करे भाई, ज़रूरी नहीं है ये भी, ठीक है? एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे बच्चों आज हम इस चैप्टर का, जिसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ेंगे, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे भाई, ठीक है? तो बताओ रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ एंड इट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात हम करेंगे इसके अंदर। दिस लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये लॉ क्या बताता है कि
कंसंट्रेशन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन है वो किस प्रकार से है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी, तो ये ला बच्चों में ये बताता है। रेट ला क्या बताता है, दिस ला एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रेट रिएक्शन। वी विल ओनली स्टडी सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे बच्चों हम इसमें केवल, ठीक है। ये एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये ना एक्चुअल में रेट ला एक्सपेरिमेंटली आता है, रेट ला की वैल्यू जो है ना सारी एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लगती है। अगर कोई न्यूमेरिकल भी इस पर आता है तो वो एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम उस न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। बल्कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया। यहाँ पे तो क्या है देखो, ए ए प्लस बी बी आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है एक्चुअली, इसके अंदर रेट है ना जो रिएक्शन का वो क्या है, इसकी कंसंट्रेशन, इसका जो कोफिशियंट है ना, ए की कंसंट्रेशन, इसका जो कोफिशियंट है उसकी पावर, बी की कंसंट्रेशन, इसका जो कोफिशियंट है उसकी पावर। यहाँ पे तो चलो मैंने लिख दिया कि 2a प्लस 3b, ठीक है। आपको एक्चुअल में पता लग गया कि प्रोडक्ट बन गया कुछ भी, ठीक है, 2a प्लस 3b। लेकिन जनरली मैंने ये बता दिया कि इसकी कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करेगा ये, लेकिन ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर होता है, रेट लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। रेट लॉ में ये जो वैल्यू है ना, ये पावर है बच्चों, ये वाली पावर, ये क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगती है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन अगर बात करें तो हम इसकी। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2a प्लस बी आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट, तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मान लो ए की कंसंट्रेशन कुछ भी है बच्चों को एक्सपेरिमेंटल के आधार पर, ए की कंसंट्रेशन की पावर x, बी की कंसंट्रेशन की पावर y। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो इज इक्वल टू k कांस्टेंट, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, इस कांस्टेंट का नाम होगा रेट कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, रेट कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो हमारे पास आया है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँगा यहाँ पे, तो इसमें देखो क्या होगा, रेट ला एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना आप। रेट ऑफ रिएक्शन आगे बीएससी में पढ़ोगे आप तो भी ये चीज़ आएगी आपके सामने, ये और एक्सप्लेनेशन इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, जो एक्स और वाई हैं बच्चों ये एक्सपेरिमेंट से हमें मिलते हैं, और मैंने लिख दिया है कि ये ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी हमारा यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक्स हमारा क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए की जो पावर है ना बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो एक्स है उसको हमने इसका ऑर्डर मान लिया भाई, ऑर्डर क्या होता बताऊंगा अभी, ठीक है। वाई हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे वाई है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी के ऊपर पावर है। तो एक्स और वाई ये हमारे जो रिएक्शन के ऑर्डर है ना, ये जीरो भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, ऑर्डर में भी कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। तो x प्लस वाई बड़ी टर्म है, मैंने इसको मान लिया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मान लो मैंने x प्लस वाई को n मान लिया इस चैप्टर में, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू n। बच्चों k यहाँ पे रेट कांस्टेंट है भाई, इस रेट कांस्टेंट को बच्चों, रेट का मतलब स्पीड ही होती ना, तो वेलोसिटी ही होती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी बोला जा सकता है। ये मैं बताऊंगा क्यों बोला जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, देखो अभी बताता हूँ। जैसे रिएक्शन का रेट हमारे पास क्या है, के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, ये रेट ला एक्सप्रेशन बताया मैंने। यदि कंसंट्रेशन सभी स्पीसीज की, सभी स्पीसीज का मतलब है ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, सबकी कंसंट्रेशन मान लूँ मैं वन है, यूनिटी है, तो मेरा जो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान दो आप इस ला को, एक बार मैं इसको डिलीट कर दूं, तो ये रेट ला है ना मेरा, ये क्या हो जाएगा, इसकी भी कंसंट्रेशन वन, इसकी भी वन, बताओ क्या हो जाएगा, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हो जाएगा ना, जब ये दोनों वन हो जाएंगे तो, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेशल वैल्यू होगी वन हमारी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का बच्चों ये, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से वन क्वेश्चन पूछा जाता आपको, रिएक्शन यानी ऑर्डर की ना आपसे यूनिट पूछी जाती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, ये यहाँ से पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर यूनिट ऑफ के क्या बताएंगे, यूनिट ऑफ के जो रेट कॉन्स्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी। बच्चों ध्यान से देखो, के इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बाई ए की पावर एक्स और बी कंसंट्रेशन की पावर वाई, है ना, ये तो फार्मूला ऊपर से ही बन गया ना, रेट ला एक्सप्रेशन से। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती थी, पढ़ी थी हमने ये कहाँ पर पढ़ी थी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेकंड चैप्टर में कंसंट्रेशन वाले में, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है ना, क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती थी मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स। तो मोल ए क्या, ए कंसंट्रेशन है ना यहाँ पे, ब्रैकेट ए का मतलब है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है।
तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं नीचे रखूँगा ए की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास मोल पर लीटर की पावर एक्स मोल पर लीटर की पावर वाई। ये भी तो बी है, बी कंसंट्रेशन है। तो बताओ जब मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूँगा तो बच्चों नीचे सेम बेस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि मोल पर लीटर है जो नीचे इसकी पावर एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको सेम है ना दोनों, तो एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं हम। और बच्चों आप जानते हो एक्स प्लस वाई हमने क्या मानना था, ये मैंने लिख दिया, देखो एक्स प्लस वाई मैंने कंसिडर किया था एन के इक्वल, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। अब देखो ये नीचे ऊपर भी मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, अब ये ऊपर जाएगा तो एन माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि ए बाई बी होता है, तो ए की पावर मान लो 10 है और बी की पावर मान लो 5 है, तो इसको आप क्या लिखते हो ए बाई बी इसकी पावर 10 माइनस 5 है ना, नीचे वाली पावर माइनस में हो जाएगी ऊपर जाएगी, तो सिंपल सी बात है। तो बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ये तो पावर 1 है इसकी तो, और इसकी पावर n है नीचे की, तो मैं ऊपर जाऊँगा तो इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 माइनस n, क्या लिख दूंगा 1 माइनस n पर सेकेंड हमारा था ही इसके साथ है ना, पर सेकेंड तो इसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये मेरे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में मैं सारी जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो जीरो ऑर्डर की यूनिट आ जाएगी, एन की वैल्यू वन रखता हूँ तो वन यूनिट फर्स्ट ऑर्डर की आ जाएगी, सेकंड रखता हूँ तो सेकंड ऑर्डर की, थर्ड रखता हूँ तो थर्ड ऑर्डर की, इनफैक्ट आई इफ आई प्लेस्ड हेयर एज फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 ऑर्डर देन आई कैन ऑल्सो सॉल्व दैट फॉर दैट, अंडरस्टैंड। चलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि द सम ऑफ द, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होती है बच्चों पावर, यानी सम ऑफ द पावर टू विच द कंसेंट्रेशन टर्म इज इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन। बताया ना के की पावर कितनी है एक्स मान ली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बी की पावर कितनी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाई, तो एक्स प्लस वाई हमारा रेट का, रिएक्शन की रेट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने निकाल के भी दिखा दी है यूनिट, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, वो जो फार्मूला हमारा ये है इसमें जीरो पुट करूँगा तो जीरो ऑर्डर की यूनिट आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड, वैल्यू तो पुट कर दोगे ना आप सारी की सारी, फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं वन पुट करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट मेरी पर सेकेंड आ जाती है, क्योंकि वन पुट करने से यहाँ पर जीरो हो जाएगा। किसी की भी पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है बच्चों, किसी की भी पावर जीरो एक्स की पावर जीरो कुछ भी हो वन के बराबर होता है, तो यहाँ पर वन आ जाएगा पर सेकेंड आ जाएगा बस। यहाँ पे जो सेकंड अगर पुट करोगे एन की वैल्यू टू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास मोल पर लीटर, यहाँ पे ये यूनिट हो जाएगी अपनी यानी मोल पर लीटर, और इसकी पावर सिंपली हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो बच्चों इनमें से एक पेपर में पूछी जाएगी, आपको मैं बता दूँ इनमें से एक पेपर में पूछी जाती है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप सभी का, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं धीरे धीरे इसको, आप स्क्रीन शॉट ले लें अगर जिसको भी ज़रूरत हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, नेक्स्ट टॉपिक हम इंटरवल पे करते हैं नेक्स्ट डे को, तो ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है ये, इसमें कुछ ज़्यादा इतना आता नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर हमारे सिलेबस में होती है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन पेपर में पक्का आता भी, यहाँ से यूनिट में से आएगा ये जो पोर्शन है इतना बस, ठीक है। तो इतना करें आप, बाकी फिर देखते हैं हम, थैंक्स।